जब भी दुनिया के सबसे बड़े सांपों का जिक्र आता है तो दिमाग में एनाकोंडा और पायथन जैसे विशालकाय अजगरों की इमेज उभरती है। मगर यदि मैं आपसे कहूं कि सदियों पहले ये धरती एक ऐसे भारी और भीमकाय सांप की साक्षी रह चुकी है जिसके आगे ये एनाकोंडा और पायथन दो दूध पीते बच्चे हैं। एक ऐसा सांप जो धरती पर रहकर अपने फन से बादल छू सकता हो, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटानोबोआ नाम के महाविनाशक सांप की। आज के इस वीडियो में इस सांप के अस्तित्व की पड़ताल करने वाले हैं, साथ ही इससे जुड़े कुछ बहुत ही रोमांचक फैक्ट्स पर भी रोशनी डालेंगे। आप बस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए तैयार है। टाइटानोबोआ स्नेक। आज से करीब 6,50,00,000 साल पहले जब डायनासोर्स का खात्मा हुआ तो धरती पर एपेक्स प्रेडेटर्स की जगह खाली हो गई। फूड चेन की टॉप स्पेस को फुलफिल करने के लिए किसी को तो आगे आना ही था। ऐसे में मोर्चा संभाला मैमल्स और रेप्टाइल्स ने। डायनासोर्स के विनाश के बाद जो जीव बच गए थे उनके पास बढ़िया मौका था हलने फूलने फैलने और विकसित होने का। यही वो समय था जब दुनिया के सबसे खतरनाक रेप्टाइल टाइटानोबोआ स्नेक अस्तित्व में आए। टाइटानोबोआ गारंगुटान प्री हिस्टोरिक स्नेक था जो सांपों की बोआ फैमिली से बिलोंग करता था। बोआ फैमिली में वो सांप आते हैं जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े और बिना जहर वाले होते हैं। मेनली बोआ फैमिली के सांप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, यानी सांप को आज के जमाने के बोआ कंस्ट्रिक्टर और एनाकोंडा का पूर्वज माना जा सकता है। ये सांप अपने समय का बहुत ही खूंखार और जानलेवा शिकारी माना जाता था जिसकी दहशत पूरी धरती पर थी। टाइम पीरियड व्हेन दे यूज्ड टू लिव ऑन अर्थ। जैसे कि हमने बात की, इन सांपों का उदय डायनासोर्स के बाद हुआ, यानी डायनासोर्स के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहा। वैज्ञानिक मतों के मुताबिक ये सांप आज से करीब 6 करोड़ साल पहले हुए और करीब 50,00,000 सालों तक इन्होंने धरती पर राज किया। इस टाइम पीरियड को पैलियोसीन पीरियड कहा जाता है। प्लेसेस वेयर दे यूज्ड टू लिव। हमने अभी अभी जाना है कि ये आज के समय के एनाकोंडा के पूर्वज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहां आज एनाकोंडा पाए जाते हैं वही इन सांपों का भी बसेरा हुआ करता था, यानी अमेरिका। धरती के सबसे पहले, सबसे विशाल, सबसे घने और सबसे ज्यादा विविधता भरे जंगल अमेज़न को साउथ अमेरिका की शान माना जाता है। इसी जंगल में इन सांपों का बसेरा था और आतंक भी। When did these snakes discovered? विज्ञान तथ्यों और प्रमाण के आधार पर ही अपनी राय कायम करता है। ऐसे में जाहिर है टाइटानोबोआ के अस्तित्व के प्रमाण भी कहीं ना कहीं मिले ही होंगे। जी हाँ, जरूर मिले। साल 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में मौजूद सेरेजॉन फॉर्मेशन की कोयले के खदानों ने धरती पर कभी रहे इन सांपों की मौजूदगी के प्रमाण दिए। यहाँ पाए गए फॉसिल्स की शुरुआती जांच में इन्हें किसी विशालकाय मगरमच्छ के फॉसिल्स करार कर दिया गया था, मगर फिर माना गया कि ये फॉसिल्स किसी मगरमच्छ के नहीं बल्कि एक सांप के हैं, और कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा टाइटानोबोआ। साइज ऑफ टाइटानोबोआ। हम बार बार कह तो रहे हैं टाइटानोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, मगर क्या आपको इसकी साइज का अंदाजा है? कोल माइन से मिले फॉसिल्स की स्टडी ये टाइटानोबोआ की साइज का अनुमान लगाया गया है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये सांप करीब करीब 13 मीटर यानी लगभग 43 फीट लंबे हुआ करते थे। बाप रे, आज के समय के एनाकोंडा की एवरेज साइज केवल 15 से 20 फीट होती है, यानी टाइटानोबोआ एनाकोंडा से 2 गुने से भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे। आज तक सबसे बड़ा एनाकोंडा भी 29 फीट का ही पाया गया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने वक्त में टाइटानोबोआ की कैसी दहशत हुआ करती होगी, और इनकी चौड़ाई सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। इन सांपों का डायमीटर करीब 3 फीट हुआ करता था, यानी एक अंदाजा लगाया जाए तो 5th क्लास का एक बच्चा पूरा का पूरा इस सांप पर हॉरिजॉन्टली लेट सकता है। वही अगर इनके वजन की बात की जाए तो ये करीब 1,135 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे, यानी आज के एनाकोंडा से करीब 4.5 गुना ज्यादा भारी। मेरा ख्याल है अब टाइटानोबोआ की साइज को लेकर आपके मन में कोई दुविधा, कोई डाउट बाकी नहीं रह गया होगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना भी है कि सांपों के फॉसिल्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में बहुत मुमकिन है कि टाइटानोबोआ इस अनुमानित साइज से भी बड़ा हो। सांप अब जीवित नहीं है। टाइटानोबोआज लव विथ वाटर बॉडीज। हो सकता है कि इतनी बड़ी साइज के बहुत से फायदे होते हो, मगर कुछ नुकसान भी तो होते ही है। माना जाता है कि टाइटानोबोआ को अपनी बड़ी साइज की वजह से जमीन पर चलने में या मूव करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, इसलिए वो अक्सर पानी में किसी दलदल या नदी के अंदर ही ज्यादातर वक्त बिताते थे।
यहाँ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में आसानी होती थी। आज टाइटेनोबोआ के वंशज कहे जाने वाले एनाकोंडा में भी ये आदत देखी जाती है। एनाकोंडा भी अपना ज्यादातर वक्त पानी में ही पड़े पड़े बिताते हैं। हंटिंग टेक्निक्स ऑफ टाइटेनोबोआ। ये एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर्स की तरह ही बगैर जहर वाले सांप थे, इसलिए इनकी हंटिंग टेक्निक्स भी इन सांपों से बहुत हद तक मिलती जुलती थी। ये सांप पानी में या पेड़ पौधों के बीच खुद को छिपा लेते थे ताकि इनका शिकार इन्हें देख ना सके, और फिर मौका मिलते ही ये अपने शिकार पर झपट पड़ते थे। इस झपट्टे में इनका विशालकाय जबड़ा और पिछले दांत बड़े कारगर होते थे। शिकार को पकड़ने के बाद ये उसके चारों तरफ पूरी तरह से लिपट जाते थे और उसे पूरी ताकत से दबा देते थे। ये दबाव लगभग 400 PSI के आसपास होता था। इतना प्रेशर किसी भी जानवर की हड्डी का पाउडर बनाने के लिए काफी है। क्रशिंग की इस प्रोसेस को कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। ये सांप कंस्ट्रिक्शन की इस प्रोसेस को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शिकार की दम घुटने से या हार्ट बीट रुकने की वजह से मौत ना हो जाए। जब शिकार सांस लेना बंद कर देता था तो ये अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर उसे साबुत यानी पूरा का पूरा निगल जाते थे। मॉडर्न डे के एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर भी शिकार का यही तरीका अपनाते हैं। डाइट ऑफ टाइटेनोबोआ। जितना बड़ा इस सांप का आकार है उस हिसाब से जाहिर है इसकी डाइट भी बहुत ज्यादा होती थी। जैसा कि हमने बात की, ये ज्यादातर वक्त पानी में ही बिताते थे। ऐसे में इनके शिकार भी मेनली मरीन क्रिएचर्स ही हुआ करते थे। बड़ी मछलियाँ, रेप्टाइल्स और क्रोकोडायलोमॉर्फा जैसे जीव इनके शिकार की लिस्ट में शामिल रहते थे। क्रोकोडायलोमॉर्फा उस वक्त के बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल हुआ करते थे, जो आज के क्रोकोडाइल्स की तुलना में कई गुना बड़े थे। हाउ डिड टाइटेनोबोआ ग्रो सो बिग? जैसा कि हम जानते हैं कि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स होते हैं, टाइटेनोबोआ भी इनसे अलग नहीं थे। और आज के मौजूद कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स के बारे में स्टडी करने पर पता चलता है कि ऐसे क्रिएचर्स की साइज और एक्टिविटी उनके माहौल के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दरअसल कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स हम इंसानों की तरह अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो इनका शरीर गर्म होने लगता है, और अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो इनका शरीर ठंडा होने लगता है। इसलिए धरती के जिन हिस्सों में तापमान ज्यादा होता है वहाँ पाए जाने वाले कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर की साइज भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, और वो हाईली एक्टिव भी होते हैं। अगर इसे हम धरती के ग्लोब से समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इक्वेटर के आसपास दुनिया के ज्यादातर बड़े कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर पोल्स की तरफ जाते हैं तापमान गिरता जाता है, और इसलिए कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स की साइज छोटी होती जाती है। जब धरती से एस्ट्रॉइड टकराया था और डायनासोर सहित धरती के लगभग 75% प्रजातियां समाप्त हो गई थी, उस समय धरती का तापमान आज के मुकाबले में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हुआ करता था। ये गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट रेप्टाइल्स के लिए बड़ा अनुकूल था, और इस दौरान वो तेजी से विकसित हुए। टाइटेनोबोआ भी उन्हीं में से एक थे। ये अमेरिका के जंगलों के उन हिस्सों में विकसित हुए जहां से इक्वेटर होकर गुजरती थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय अमेज़न जंगलों का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था, तो आज के समय के तापमान से करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। यानी टाइटेनोबोआ के लिए अमेज़न का मौसम ग्रो करने के लिए सबसे मुफीद था, और इसलिए वो बढ़ता ही रहा और भयानक दानव के आकार में तब्दील हो गया।